बुढ़ापे की वजह से जो आदमी बुढ़ापे हैं इतने जो कमज़ोर है तो वो क्या करें, तो वो भी क्या करें, एक मशीन को खाना दे दे जैसा वो खाते हैं, जितना वो खाते हैं वैसा खाना उनको खिला दें। अब इसमें ये नहीं कि आदमी ये सकता कि नहीं अब खुद तो खाते क्या खाते, बिना देसी घी से उनको खाना खाते ही नहीं, बिना चार सब्जी के खाना खाते ही नहीं, बिना हलवे के खाना खाते ही नहीं, सब उनको तमाम चीज़ चाहिए। और कहते रोजे का मिस्किन को देना है तो बोले 15 रुपये की थाली वहाँ पर मिलती दरगाह के बाहर, टोकन लगा के सबको दे दो। तो ऐसा ना करें, जैसा खुद खाता है वैसा खिलाए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या फरमाया कि मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद ना करे। या तुम पसंद करते हो 15-20 रुपये का खाना, नहीं करते हो तो आप दूसरे के लिए कैसे पसंद करते हो। तो कम से कम इस अमल के अंदर, दूसरी जगह जाए जो सकता है आप उनको इसे ही खिलाना था खिलाए, लेकिन कम से कम इसके अंदर जो है यहाँ आप जो रोज़े का जो आप दे रहे हैं लोगों को खिला रहे हैं, तो वो जो है जैसा आप खाते हैं इतना कम से कम या तो पैसा दे, इतना खाना उनको खिला दें। तो इसी तरह जो है क्या क्या आदमी जो है इसके अंदर, इब्ने अब्बास इसके ताल्लुक से कहते हैं कि वो जो है मिस्किन को वैसा खाना खिला दें और एक मिस्किन को खाना खिलाएँ। और इसी तरह तो क्या कोई एक साथ खिला सकता है कि अब रोज़ रोज़ तो मिस्किन मिलना मुश्किल है कि रोज़ नहीं मिलते मिस्किन, तो क्या फिर वो एक साथ 30 लोगों को एक साथ ही खिला दे, या फिर जो है एक साथ जो है 30 दिन का वो किसी को दे दे, या मुख्तलिफ उसको कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। इसके ताल्लुक से दारकुतनी की रिवायत है, उसमें मिलता है कि जो साबित है उनके ताल्लुक से आता है कि उन्होंने जो है हदीस नंबर 2366 के उस बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सके, या नहीं रख सके, बहुत ही इंतहाई बीमार थे, बुजुर्ग हो गए थे तो नहीं रख पाए और उनको आगे की उम्मीद भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि 30 लोगों को बुलाया और 30 लोगों को खाना बनवा कर खिलवा दिया। तो ऐसा भी किया जा सकता है, पूरा इकट्ठे लोगों को एक साथ 30 को खिलाया जा सकता है।